जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है जी बेटा मेरी आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? चलें, अच्छी बात है जी। अगर आवाज आ रही है तो हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इंसर्ट के टैब में हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में स्क्रीनशॉट तक हम लोगों ने देखा था। यहां तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ लें, फिर इसके अंदर अभी एक दो पॉइंट्स और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। चलें, अच्छी बात है बेटा। अगर आप लोगों को प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन मिल गया है, प्रिंट स्क्रीन की की मिल गई है, तो आप उसको चेक भी करके देख लें। आप उसको प्रेस करेंगे ना तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको कोई भी प्रोसेस होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो फिर उससे क्या होगा, बैकएंड पे आप लोगों का वो जो स्क्रीनशॉट है ना वो ले लेता है सिस्टम। आप जहां भी उस स्क्रीनशॉट को यूज करना चाहते हैं वहां जाकर उसको कंट्रोल वी कर दें, वहां जाकर उसको कंट्रोल वी करते हैं जी। अरफा मुनव्वर, वो जो स्क्रीनशॉट है ना बेटा, वो आप जो आपने जहां उसको स्क्रीनशॉट को यूज करना ना वहां जाके पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीका अगर इसका बताता हूँ, जस्ट लाइक अभी मैं कहता हूँ जी कि मैंने अपनी अपने कीबोर्ड से मैंने प्रिंट स्क्रीन की प्रेस की। उसके बाद अब प्रिंट स्क्रीन के की ने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन के की ने पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है। मुझे पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे उसकी स्क्रीन में से कुछ पार्ट चाहिए। उस पूरी स्क्रीन में से, उस पूरे स्क्रीनशॉट में से मुझे कुछ हिस्सा चाहिए, सारा नहीं लेना। स्क्रीनशॉट लेके ना मैं पेंट को ओपन करूंगा। पेंट को ओपन किया, पेंट को ओपन करके मैं आप पेंट में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। पेंट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेंट में पेस्ट करने के बाद मैं यहां सेलेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं सिर्फ मैंने इतने पार्ट को लेना है, जस्ट लाइक ये जिसको मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूं, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके मैं यहां से करूंगा कट। कट करके पेंट को मैं बंद कर देता हूं और पेंट को बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ जाके अपने फाइल में जहां मुझे वो चाहिए वहां मैं पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, तो आप लोग देखेंगे कि वो मेरे पास आपके सामने आ गया है। ठीक है जी। जी कट किया जा सकता है ना, कट करना है उसको। मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर कोई सिलेक्ट का ऑप्शन आपके पास आता है स्क्रीनशॉट के बाद तो क्रॉप करने का ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ होना तो चाहिए। ये देखें, ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास। कोई भी पिक्चर है उस पर डबल क्लिक करेंगे ना आपके पास, तो ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा होगा। यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से भी आप इसको पकड़ के यूं कर लें, ठीक है, और यहां से पकड़ के आप इसको यूं कर लें। और एंटर की प्रेस करें तो क्रॉप हो जाएगा आपके पास जितना आपको चाहिए। ठीक है अदनान, कंट्रोल एक्स कट का ऑप्शन अगर नहीं भी नजर आ रहा तो आप जो है वो कंट्रोल एक्स प्रेस कर लें। अगर कट का ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स की प्रेस कर लें। अदरवाइज बेटा मैंने अभी आपको यहाँ बताया है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपकी पिक्चर है, आपने इसको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको यहाँ प्लेस किया है, तो ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। ये देखें, ये राइट साइड पर जब आप इस पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। इस क्रॉप के ऑप्शन को यूज कर लें, इसको क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के पास ये साइड पे छोटे छोटे आपके पास साइन बने हुए हैं। जिस तरफ को आपने क्रॉप करना है वहां पर आप लोग इसको यूज कर क्रॉप करके एंटर की प्रेस करेंगे, वो आपकी पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगी।
स्क्रीनशॉट भी तो आपके पास पिक्चर ही होती है ना जी। फॉलो किया आप लोगों ने, या आप लोग प्रिंट स्क्रीन करें, प्रिंट स्क्रीन की की प्रेस करें, प्रिंट स्क्रीन की की प्रेस करके पेंट में ले जाएं उसको, ठीक है। पेंट में ले जाकर उसको जो है वहां पर कंट्रोल एक्स कंट्रोल जितना सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल वी करें। अच्छा एक और भी इसका एक और टूल होता है, मैं भी कोशिश करता हूँ अगर मुझे यहां से मिल जाता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, स्निपिंग टूल। ये आप लोग जाके अपने ये जो सर्च एरिया आपके पास बना हुआ है ना यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है अभी नीचे शायद नजर नहीं आ रहा, या आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके वहां पर आप लोग लिख सकते हैं स्निपिंग टूल। वहां पर आप लोग स्निपिंग टूल लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा स्निपिंग टूल, ठीक है जी। स्निपिंग टूल ओपन हो गया, कहाँ चला गया है वो, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से ओपन नहीं हुआ, लेकिन उसको ओपन हो जाना चाहिए था शायद, स्क्रीन शेयरिंग की वजह से वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज स्निपिंग टूल होता है, नोट कर लें स्निपिंग टूल होता है बेटा, उसको यूज करते हुए भी ये आ गया सामने। यहां से स्निपिंग टूल अब आपको शायद नजर नहीं आ रहा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं अगर नजर आ जाए तो। ये नजर आ रहा है आप स्निपिंग टूल के नहीं, अब शायद आपको ये स्निपिंग टूल नजर आ रहा है। यहां से मैं इसको न्यू करूंगा, न्यू पे क्लिक करके मैंने जितने भी पोर्शन को सेलेक्ट करूंगा तो वो उसको कट करके ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा, लेकिन यहाँ वो स्क्रीन शेयरिंग की वजह से प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने उसको मिनिमाइज करना होता है स्निपिंग टूल को, फिर यूज करना होता है। लेकिन आप स्निपिंग टूल को यूज करके देखिएगा, वो आप लोग देखेंगे कि उसका आपको बेनिफिट होगा, ठीक है जी। उसको आप लोग देखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट आ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा क्या हो रहा है। सो स्निपिंग टूल को यूज करते हुए भी आप स्क्रीन शॉट जो है या आप लोग अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर किसी चीज को सेलेक्ट करके आप लोग सेव करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा, क्लियर है सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यहाँ हम लोग ये हाइपरलिंक का ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ना है। हाइपरलिंक के ऑप्शन के बाद हमने ये हेडर फुटर एंड पेज नंबर बेसिकली पढ़ने हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं हेडर फुटर एंड पेज नंबर। हाइपरलिंक को छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी होप सो के 15th of July से, जो 5-7-10 क्लासेस हमारी यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद होनी है ना, हाइपरलिंक को तब के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको हमारे पास ये हमें सामने नजर आएगा फिजिकली होता हो तो फिर हमें इसकी ज्यादा समझ आ जाएगी, अगर यूनिवर्सिटी नहीं ओपन होगी तो। सर आई थिंक ये लैब में डिस्कस करना चाहिए हमें, लैब में। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसको हम लोग कोशिश करते हैं जब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तब इसको हम लोग चेक कर लेंगे, यूनिवर्सिटी होप्स जी राइट मीजा के ओपन हो जाएगी 15th July तक। चले तो यहाँ हम लोग हेडर एंड फुटर को देखते हैं। आप लोग मोस्टली बुक्स को हम लोग पढ़ते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पर कोई बुक ओपन कर लूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ हेडर किसको कहते हैं और फुटर किसको कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाने में कामयाब हो जाता हूँ बेटा तो फिर हमें हेडर और फुटर की ज्यादा समझ आ जाएगी। मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर किसी बुक में मुझे लिखा हुआ नजर आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि हेडर एंड फुटर किसको कहते हैं। ये बुक्स के ऊपर हम लोग देखते हैं ना कि आप लोग अपनी बुक्स में देखते हैं कि हर पेज के टॉप पे चैप्टर नंबर आ रहा होता है और साथ चैप्टर का टाइटल आ रहा होता है, और बॉटम पे हमारे पास जो है वो या पब्लिशर का नाम आ रहा होता है। जी जी साजिदा नवाज आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सब लोगों के लिए, आप लोग देखते हैं कि टॉप पे ना जहां पेज नंबर लिखा होता है उस पेज नंबर के साथ हमारे पास जो है ना हर पेज के ऊपर हमारे पास लिखा आ रहा होता है, क्या लिखा आ रहा था जी, चैप्टर नंबर और साथ में चैप्टर का टाइटल जो है, और बॉटम पे या हमारे पास पब्लिशर का नाम लिखा होता है या बुक का नाम लिखा होता है हर पेज के ऊपर ही। अब अगर हमारी जो डॉक्यूमेंट है, हमारी जो बुक है बेटा, वो तकरीबन 1500 पेजेस पर एग्जिस्ट करती है,
तो 1500 पेजेस पर अगर वो एग्जिस्ट करती है, 1500 पेजेस बुक के हैं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम लोग अकेले अकेले पेज पर जाके उसका चैप्टर नंबर लिखेंगे और साथ में चैप्टर का टाइटल लिखेंगे। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो 50 पेजेस का है, तो 50 पेजेस में हम लोग जाके हर पेज के ऊपर लिखें जी चैप्टर नंबर 1 और साथ में उसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1 साथ में इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कैसे लिखेंगे जाके हर पेज के ऊपर, ये तो एक बहुत मुश्किल सा काम है। तो इस मुश्किल से काम से बचने के लिए हमारे पास जो है ना वो हेडर एंड फुटर यूज किए जाते हैं कि आप लोग एक पेज पर लगाएंगे तो आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। आप एक पेज पर लिखेंगे सारे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास कोई शॉर्ट फॉर्म में ऐसी बुक पड़ी हो जिसके ऊपर ये हेडर एंड फुटर मिल जाए मुझे, मैं आपको दिखा दूँ। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अभी हमें वो पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मुझे, मेरे पास बुक्स पड़ी हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर वो मिल जाती है मुझे हेडर लगा हुआ, हेडर और फुटर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखें जरा, तो ये आप लोग देखें कि ये बुक नजर आ रही है ना बेटा आपको, ये बुक अगर आपको नजर आ रही है तो अभी आप लोग इसके यहां से देखें, चैप्टर पेज नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 1। ये जो आप लोगों के पास लिखा हुआ है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये टॉपिक का नाम है जो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग हर सेकंड पेज पर देखेंगे जी अरकम उस पूरे 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 डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि हर सेकंड पेज के ऊपर, हर दूसरे पेज के ऊपर इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 लिखा हुआ है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। फिर आप लोग आगे जाएं, इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1, अभी आप ये समझें कि पूरे पूरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 लिखा हुआ है, अभी तो उसने एक पेज छोड़ के लिखा हुआ है ना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक पेज छोड़ के कैसे लिखते हैं, लेकिन नॉर्मल जो प्रैक्टिस है वो ये है कि हमारे पास चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 लिखा आ रहा होता है और उसके उसका टाइटल लिखा आ रहा होता है चैप्टर 1 का, 50 पेजेस का जो चैप्टर है। फिर चैप्टर 2 शुरू हो जाता है तो चैप्टर 2 के ऊपर हमारे पास चैप्टर 2 लिखा आना शुरू हो जाता है, चैप्टर 2 का टाइटल लिखा आना शुरू, इसको कहते हैं हेडर। और फुटर जो है वो नीचे जो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट, हर पेज के नीचे हमारे पास जो पब्लिशर का नाम आना शुरू हो जाता है या बुक का नाम आना शुरू हो जाता है उसको फुटर कहते हैं। हम उसको अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करके देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। अब यहाँ हमारे पास 2 पेजेस हैं, अगर हमारे पास 200 पेजेस भी होंगे ना, अगर हमारे पास 200 पेजेस भी होंगे तो वो 200 पेजेस पे हेडर लिखा जाएगा। उसके लिए मैं, मुझे यहाँ पर हेडर पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप हेडर पे क्लिक करेंगे ना तो वो हेडर के डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको देगा। इस तरह का भी हेडर अप्लाई किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, और भी बहुत सारे ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स इसके अवेलेबल हैं। हम लोग इसी को चेक करते हैं सबसे पहले वाले को। अब आप लोग देखें, मैंने उसको किया तो आप हेडर के पोर्शन में आ गए हैं, हेडर के पोर्शन में आ गए हैं और यहाँ ये सारा कुछ आपको जो है ना वो मध्यम नजर आना शुरू हो गया, थोड़ा सा लाइट नजर आना शुरू हो गया हेडर के पोर्शन में। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी के हमारे पास चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और मैं स्क्रोल करूंगा। अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, चले हम लोग पहले हेडर को चेक कर लेते हैं। अब लोग आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा है, चैप्टर सेकंड पेज पे लिखा है, तो आपके फर्स्ट पेज पे भी आपको नजर आ रहा है। अगर आप लोग और पेजेस इंसर्ट कर लेंगे ना यहाँ पर, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर पेज ब्रेक करके और पेजेस इंसर्ट कर लेता हूँ, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की भी नोट कर लें, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, साथ में आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास पेज ब्रेक का ऑप्शन जो है ना वो इंप्लीमेंट होता जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर की है, दैट इज फॉर इंसर्टिंग अ न्यू पेज। तो अब आप लोग देखेंगे, अब यहां देखें जरा, मैंने 7 पेजेस जो है ना, 5 मोर पेजेस इंसर्ट कर लिए हैं अपने डॉक्यूमेंट में।
अभी जो मैंने 5 more pages इंसर्ट किए हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि हर पेज के ऊपर हेडर में चैप्टर नंबर 1 लिखा आ रहा है, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ये देखिए नजर आ रहा है बेटा, हर पेज के हेडर में मेरे पास चैप्टर 1 ऑटोमेटिकली लिखा नजर आ रहा है, मुझे हर पेज पे जाकर सेपरेट से लिखना नहीं पड़ रहा। अगर 500 पेजेस भी होंगे तो 500 पेजेस पे ही आ जाएगा। अब हम लोग बॉटम पे जाके क्या करना चाहते हैं, बॉटम पे हम लोग साथ में जो है इसी तरह अगर आप लोग उसके फुटर में, इसके फुटर में जस्ट लाइक मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके इधर डबल क्लिक करूंगा, चले इधर डबल क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें यहाँ फुटर भी आ गया नीचे, हेडर पे क्लिक करेंगे ना यहाँ फुटर भी आ जाएगा। यहाँ आप लोग अपना जो भी नाम लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखना चाहते हैं जी गवर्नमेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी वन एवर आई स्टी लिखता है, ठीक है। मैं इसको एंटर की प्रेस, एंटर नहीं, मैं अपने इस एरिया में डबल क्लिक करूंगा तो मैं हेडर एंड फुटर से बाहर आ जाऊंगा। अब आप लोग देखें कि आप लोगों के पास हर पेज के हेडर में चैप्टर नंबर 1 लिखा आ रहा है और यहाँ फुटर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिखा आ रहा है, यहाँ चैप्टर नंबर 1 लिखा आ रहा है, यहाँ फुटर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिखा आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं, मैं स्क्रोल कर रहा हूँ माउस को यूज करते हुए, मैं नीचे की तरफ स्क्रोल कर रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली ये चैप्टर नंबर 1 और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा आ रहा हुआ, ठीक है जी। आ रहा नजर या नहीं? पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। जब हम लोग फिजिकली क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देता होता हूँ कि मैंने आपको दिखा दिया है कि पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो गया, लेकिन अगर चैप्टर नंबर 1 पे हम लोगों ने हेडर को ही लगाना है, फुटर को ही लगाना है, चैप्टर नंबर 2 पे हेडर को ही लगाना है, चैप्टर नंबर 2 पे फुटर को ही लगाना है, चैप्टर नंबर 3 पे हेडर को ही लगाना है, फुटर को ही लगाना है, ये तो असाइनमेंट वो फिर मैं बच्चों को देता हूँ कि आप लोग देख के आएंगे कि ये डिफरेंट हेडर फुटर कैसे लगाने हैं। आप लोग इसको देखिएगा कि ये हेडर फुटर डिफरेंट पेजेस पे कैसे लगने हैं, डिफरेंट हेडर फुटर कैसे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर वन तक ही आएगा ना, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा तो चैप्टर 2 का हेडर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा तो चैप्टर 3 का हेडर आना शुरू हो जाएगा। तो डिफरेंट हेडर्स या डिफरेंट फुटर्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे अप्लाई किए जाते हैं, ये मैं असाइनमेंट बच्चों को देता हूँ, बच्चे मुझे करके दिखाते हैं, लेकिन आप लोग देख के आइएगा तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। नेक्स्ट क्लास में तो ये हमारे पास जो है ये हेडर एंड फुटर जो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह पेज नंबर बेटा लगाए जा सकते हैं, पेज नंबर हमें लगाने होते हैं। आप पेज नंबर जो है वो टॉप ऑफ द पेज किस साइड पर लगाना चाहते हैं, मैं यहाँ इस साइड पर लगाना चाहता हूँ, वहां पर आपके पास जो है वो आपके हेडर में पेज नंबर आ जाएगा तो वो पेज नंबर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये देख रहे हैं ये पेज नंबर 1 आ गया, ये पेज नंबर 2 आ गया, ये पेज नंबर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो ये पेज नंबर आप लोग इसको दे सकते हैं जी, पेज नंबर भी चेंज हो सकते हैं, पेज नंबर भी रकम चेंज हो सकते हैं कि पहले 5 पेजेस पर आप लोग जो है वो रोमन नंबर लिखते हैं। आप लोग देखते हैं थीसिस के अंदर या बुक्स के अंदर पहले 8-10 पेजेस के ऊपर रोमन नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है तो वहां से 9 शुरू हो जाता है और वो 9 जो हमारे पास नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वो वाला 9 वहां से काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये हेडर फुटर और नंबर जो है ये मिलते जुलते हैं, ये हमारे पास जो है ये मिलते जुलते हैं। सो आप लोग इसको करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लोग जो है वो बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। कोई क्वेश्चन बेटा है तो शाबाश पूछ लें जी। बेटा अदनान लतीफ मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में नहीं था, अदनान 35, दूसरा अदनान जो है 1906 वो जी। मोहम्मद अदनान बेटा मैं ये अपलोड कर दूंगा, असल में ना अपलोडिंग में कोई इशू आ रहा है,
फाइल को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने में इशू आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होगा ना तो मैं ये लेक्चर जो है ना वो अपलोड कर दूंगा और आपको बता दूंगा। हाँ जी माशाल्लाह लाइट भी काफी बंद हो रही है नए पाकिस्तान में, चले कुछ तो तब्दीली आई है। ठीक है जी इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं ना अपलोड करके आपको इसका लिंक भेज दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे जो है आपसे मुलाकात होगी, आपके साथ हम लोग पढ़ेंगे। जी बेटा साजिदा, मैं बेटा दोनों क्लासेज जो हैं, मैं दोनों क्लासेज आज वाली दोनों और जो कल हमने पढ़ी थी तीनों क्लासेज जो है वो मैं अपलोड करके आपको उसका लिंक भेज दूंगा इंशाल्लाह, फिर हम लोग उसको देख लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।